एकेएस यूनिवर्सिटी सत्ता की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सतीश भूषण सिंह। विश्वविद्यालय को यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के साथ साथ विश्वविद्यालय में संचालित कोर्सेस, विश्वविद्यालय के नवाचार, अधोसंरचना एवं अन्य विषयों की एक्सपर्ट कमेटी ने तारीफ की है। विश्वविद्यालय में चारों तरफ हर्ष का माहौल है। विश्वविद्यालय के फैकल्टीज के साथ साथ छात्र छात्राओं में भी इस विषय को लेकर हर्ष का माहौल है। आइए देखें। University Grants Commission's report very recently, and this university, AKS University, is they have defined as a promising university in this part of the country. Also, they said the management, students, faculty are very conducive for a good environment and good education. We have been recognized under Section 2F of UGC Act, and now we are preparing for NAC accreditation. The moment we will be eligible, and we will definitely try for that. And this is particularly, this university is located in an area which is specific to Madhya Pradesh, and here agriculture, mining, cement, then pharmacy, so these and few of them, they are special to this particular area, and we focus on these particular issues, and definitely one day it will be an excellent university in this part of Nayi Delhi. Dwara AKS University ke nirikshan sambandhi report university ko prapt ho gayi. उस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में से यह है कि यूजीसी ने एकेएस यूनिवर्सिटी को एक अपकमिंग यूनिवर्सिटी के रूप में इंडिया में विशेष तौर से विंध्य क्षेत्र में इसकी उपलब्धि को सराहा। इस यूनिवर्सिटी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ के नवाचार, यहाँ के नए पाठ्यक्रमों, परीक्षा प्रणाली, उसमें विशेष तौर से परीक्षा समय पे कराए जाने की व्यवस्था, पारदर्शी प्रणाली को उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की है। यहाँ के प्रबंधन, फैकल्टी मेंबर्स और विश्वविद्यालय छात्रों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की भी उन्होंने तारीफ की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो 2F में मान्यता प्रदान करने का आदेश हुआ है, इसके पहले विश्वविद्यालय को कई अवार्ड मिल चुके हैं। इस अनुमति से उन अवार्ड्स पर चांद चांद लग गया है, उसकी पुष्टि हो जाती है कि यह विश्वविद्यालय कई आयामों में जो अवार्ड प्राप्त किया है उससे विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ और अधिक बढ़ जाती है। विश्वविद्यालय एकेडमिक, तकनीकी और नवाचारों के क्षेत्र में जो अग्रसर हो रहा है वो अत्यंत सराहनीय है। छात्रों का एक उद्देश्य वे प्लेसमेंट पाएं, इसके लिए विश्वविद्यालय छात्रों को बराबर सहयोग देता रहता है और अधिकांश छात्र यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके प्लेसमेंट पा जाते हैं। एक विशेष बात और की निरीक्षण के दौरान कि उन्होंने विभिन्न विषयों के संकायों के छात्र छात्राओं से और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से संपर्क किया और उनसे रूबरू बातचीत की, और ये प्रशंसा की विश्वविद्यालय की कि विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, जो एक विश्वविद्यालय की उपलब्धि है कि विश्वविद्यालय समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्तियों तक तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजेतरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।